कहाँ जाएंगे, रोड अपना रहेंगे, सब बाल बच्चा लेके रोड पे, अभी बच्चा लेके बारिश में भींग रहे हैं हम लोग सब, कहाँ जाएंगे रोड अपना रहेंगे, सब बाल बच्चा लेके रोड पे, अभी बच्चा लेके बारिश में भींग रहे हैं हम लोग सब। भागलपुर नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी खबर चलने के बाद सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव के गंगा नदी में हो रहे कटाव को देखने पहुंचे और इस दौरान विधायक ने प्रेस वार्ता भी आयोजित की कटाव के मुद्दे को लेकर। विधायक ने मौके पर पहुंचकर आपदा प्रबंधन विभाग को फोन से सारी समस्या बताई और मांग की कि जिनका घर कटाव से बह गया उनको फौरन सरकारी सहायता मिले। विधायक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वो विधानसभा सत्र में भी गंगा नदी से हो रहे कटाव को लेकर आवाज उठा चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि कटाव से सबौर प्रखंड के लोगों को कोई खतरा नहीं है। विधायक ने सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका भी दायर की थी, जिसमें अदालत ने विधायक का पक्ष रखते हुए सरकार को आदेश भी दिया कि 3 माह में कटाव से निपटने को लेकर तैयारी की जाए और समस्या से जनता को बाहर निकाला जाए, लेकिन अभी भी सरकार ने ना तो जियो बैग उपलब्ध कराया और ना कटाव से बेघर लोगों को मुआवजा ही दिया है। विधायक ने कहा कि जन आंदोलन ही अब एकमात्र रास्ता है जिसके माध्यम से जनता के हक में वो और उनकी पार्टी आवाज उठाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान विधायक प्रतिनिधि रंजीत कुमार, मोहम्मद ताज आलम, राजद के प्रदेश सचिव डॉक्टर तिरुपति नाथ यादव, राजद नगर अध्यक्ष सहाब उद्दीन, सबौर प्रखंड अध्यक्ष गुड्डू यादव, जिला महासचिव सुमंत यादव, साज महमूद, निवर्तमान जिला परिषद सदस्य महेश यादव, राजद नेता राजेंद्र मंडल, शोभा कांत यादव, निर्मल मंडल, नवीन कुमार, रामचंद्र मंडल, शेखर यादव, देवानंद यादव, मनोज कुमार, संजय यादव, उज्जवल कुमार, राजा राम यादव, चक्रधर यादव, रामानंद यादव, जलधर यादव, भगवान यादव, उमेश यादव, वशिष्ठ यादव, मोहम्मद शहबाज खान इत्यादि, इसके अलावे कई ग्रामीण मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। तो कहाँ जाएंगे रोड अपना रहेंगे, सब बाल बच्चा लेके रोड पे, अभी बच्चा लेके बारिश में भींग रहे हैं हम लोग सब, पूरा परिवार लेके, क्या कोई कुछ नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं दिया अभी तक हम लोग को, 4 दिन से बरसों में है, सब भींग रहे बाल बच्चा लेके, पूरा गांव सब चला गया गंगा जी में। क्या नाम है? सिंपू देवी नाम है। कुछ नहीं मेरा नाम सुलक्षणा देवी है। हमरानी बाहर निकल रही है तो कहाँ जाइए हमरानी? देखिए जाके कैसा घर है, कुछ नहीं कार में पियर, कुछ नहीं दे, कुछ नहीं दे रहा है हम लोग को। केकरा घर दे रही है, केकरा ले मकान बैठी गमो रहती है, माया लगे दे 5 किलो खाए ले मुट्ठी दे दे। कल मैं कार्रवाई करने का था, हमने किया। अब अगर आप लोग कोई कमी रह गई है मेरे कार्रवाई करने में तो हम आपको आपका हम आमंत्रित करते हैं कि हमको रास्ता बताइए, हम उस पर चलेंगे। हमने तय किया है कि अगर 3 महीने के अंदर काम पर कोई प्रगति नहीं हुई तो हम लोग जन आंदोलन करेंगे। जनता का जो पहला मदद का चेहरा होता है विधायक ही होता है, तो विधायक स्तर पर आप क्या करेंगे ये आप बता दीजिए। जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन करने से तो सर जान माल और घर तो नहीं बचेगा, ये लगातार देख रहे। रिंग बांध के लिए आपको कितना? हम रिंग बांध ही के लिए कर रहे हैं और ये बात आपको जान के आश्चर्य होगी कि ये बात हमने अपने जीतने से पहले कहा था कि भगवान अगर हमको वहाँ पहुँचा देगा तो हम रिंग बांध के लिए काम करेंगे। फिलहाल लोगों को कोई शरण जिनके जिनका छत चला गया है की बात होगी तो मार्गदर्शन तो आपको खोजना है, इन्हें हमको नहीं खोजना है, ऐसे भी खोजना आप सरकार में नहीं है, सरकार से मांग कीजिए आप, अपने गोतिया नहीं ऐसे खोजना है हमको। पूछ रहे तो इतना ये लोग नहीं कहाँ से आएगा। देखिए बात है कि हमको जो अकल में था वो हमने किया कर दिए, सवाल उठाया, जवाब जब गड़बड़ हुआ तो हम हाईकोर्ट गए, बोला भी आप ही के अथी पे जो है कि वो गिर रहा था, ये भी बात है सही। मेरे पर गिरा क्यों गिरा पता नहीं, आप ही यहाँ आए थे पहले, पहले भी आए थे, बोरा जो है ना इन्हीं का ना। इससे मेरा एक अनुरोध है कि जो क्वेश्चन रखा गया के पटल पर इस पर कहीं इंग्लिश गांव नहीं है, कहीं फरका पंचायत है, फरका पंचायत भी नहीं है, इसका गांव लिखा हुआ है सर। ये होना चाहिए कि फरका पंचायत अंतर्गत मजदूर फरका इंग्लिश,
और जो विषय है उसको आना चाहिए। ये मंत्री महोदय इसी पर अपना जवाब दिए हुए है जो कि इंग्लिश को अभी जो काम हो रहा है इंग्लिश गाँव में काम हो रहा है यहाँ। अगर उसका नाम नहीं है सवाल जवाब में तो यहाँ काम कहा हो रहा है, होना चाहिए फरखा में जाकर के मंत्री तो स्थल का ना, लेकिन मंत्री जी का जो जवाब दिया गया है देखिए मंत्री जी का जवाब क्या है, फरखा लिखा है तो फरखा गांव लिख दिया भाई, फरखा आया होगा लोग देखा हुआ कितना मीटर दूरी है गंगा जी का, काम कर रहा है होश नहीं है डिपार्टमेंट को, अभी कहाँ काम कर रहा है वो। सर ये बालू का बोरा डालने से तो आज तक कहीं बचाव नहीं हुआ है, नहीं हुआ जो सत्यता हम आपको बता रहे हैं कहीं नहीं हुआ, फिर तो वही दिया जा रहा, तो फिर काम इसको कैसे बोल सकते हैं। अभी तो तत्काल व्यवस्था हो रही है ना। अच्छा अभी तो उस पर जो है बोल्डर का बांध बने चाहे रिंग बांध बने कोई बात होगी, रिंग बांध बनने की जगह यहाँ पर लोग कहते हैं कि नहीं है सरकार कहती है, इसलिए कि गांव बिल्कुल गांव के अंदर है, रिंग बांध के पीछे में जगह होनी चाहिए। तो अगर जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद